वेलकम टू माई चैनल मनुटेक टूडेज टॉपिक इज हाउ वी कैन प्रूव दैट कंटिन्यूस टाइम सैनस व सिग्नल इज पीरियोडिक विद द टाइम पीरियड ऑफ टू पाई अपॉन ओमेगा सो अब कंटिन्यूस टाइम जो साइनासाडियर सिग्नल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं या तो कॉस ओमेगा होता है या साइन ओमेगा होता है अगर हम सिग्नल एज्यूम करें कि एक्स टी जो है हमारा साइनस ऑडर सिग्नल है और वो इक्वल है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के तो अगर सिग्नल को प्रियोडिक होना है अगर एक्स टी को प्रियोडिक होना है इफ़ एक्स टी इज देन व्हाट इज द कंडीशन कि एक्स टी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी एक्स टी प्लस कैपिटल टी मींस टाइम पीरियड मीन्स साइनसोइडल सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो कैपिटल टी होगा तो टी हम क्या राइट कर सकते हैं टी इज टाइम पीरियड अब हम एक्सी की वैल्यू पुट करते हैं एक्सी की वैल्यू कितनी है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अब जो है एक्स टी प्लस कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक्स टी में पुट करेंगे टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी ओके क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी मीन्स टी की जगह अब क्या हो जाएगा टी प्लस कैपिटल टी ठीक है क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है एक्स टी प्लस कैपिटल टी प्लस थीटा हम इसको ओपन कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल डी प्लस थीटा ओके यहाँ कितना हो जाएगा साइन ओमेगा प्लस थीटा बस इसके अंदर क्या चेंजेस है साइन ओमेगा टी यहाँ भी है यहाँ भी है ओमेगा टी प्लस थीटा यहाँ भी है प्लस थीटा यहाँ भी है बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा इनटू कैपिटल टी जो है वो एक्स्ट्रा है तो ओमेगा प्लस कैपिटल टी को अगर हम जीरो इक्वेट कर दें इसका मतलब ये दोनों सिंगल्स जो हैं इक्वल हो जाएंगे ठीक है तो ओमेगा कैपिटल ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो ठीक है इन दोनों के इक्वल होने के लिए और ओमेगा टी की वैल्यू कौन सी हो सकती है अगर ओमेगा टी इक्वल टू टू पाई हो जाए ठीक है मीन्स यहाँ पर ओमेगा प्लस कैपिटल ओमेगा इंटू कैपिटल टी टू पाई हो जाए तो इसका मतलब ये ओमेगा टी प्लस थीटा टक इक्वल आएगा ठीक है अगर ओमेगा टी की वैल्यू जो है ओमेगा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू फोर पाई हो जाए तब भी ये इक्वेशन जो है इक्वल आएगी अगर एट पाई हो जाए तब भी आएगी ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा और नाउ लेटर ऑफ साइंस सिग्नल मीन्स अगर हम ओमेगा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू को टू पाई पुट करते हैं तो हमने देखा कि इसके अंदर रिपीटेशन हो रहा है अप टू फोर पाई फोर पाई तक मीन्स ये जो सिग्नल है वो रिपीट हो रहा है टू पाई से लेके फोर पाई तक जीरो टू टू पाई तक जैसा ही सिग्नल आ रहा है और इसका एम्पलीट्यूड भी सिमिलर आ रहा है ठीक है और इसके आफ्टर भी ये सिमिलर ही आएगा फोर पाई से लेके एट पाई तक ठीक है तो इसके मतलब ये है कि हम ये पुट कर सकते हैं कि अगर ओमेगा टी ओमेगा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू अगर टू एंड पाई हो तो ये सिग्नल जो है इक्वल आएंगे ठीक है एन uh, की वैल्यू कितनी लिख देंगे इसका मतलब एन इज विल बी इक्वल टू ज़ीरो वन टू थ्री अप टू प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं ठीक है और एज़ वी नो दैट कि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है ये जो पीरियड है ये टाइम पीरियड है मगर फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड जो होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड में स्मॉलेस्ट क्या होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होती है टाइम पीरियड की ऑफ़ कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड की तो स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू कितनी है इसकी जब एन इक्वल टू वन पुट करेंगे मीन्स ओमेगा टी विल बी इक्वल टू टू पाई ठीक है तो इसका मतलब कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ गई मीन्स इसको हम नॉट पुट कर सकते हैं कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड ठीक है मीन्स फंडामेंटल पीरियड तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा टू पाई अपॉन फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा टू पाई अपॉन ओमेगा और यही हमें प्रूव करना था कि जो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है साइनोसनल सिग्नल का ओमेगा टी का ओमेगा टी प्लस सीटा का वो टू पाई अपॉन ओमेगा है जो कि हमने प्रूव कर दिया ओके अंडरस्टूड थैंक यू